हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। धनतेरस व दीपावली के दिन खरखोदा शहर में करीब 1.5 लाख लोग पहुंचने का अनुमान लगाया गया। जिस तरह से खरखोदा में भीड़ देखने को मिली है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि खरखोदा में करीब 100 से 200 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ। खरखोदा शहर के चारों तरफ 60 गाँव ऐसे लगते हैं जो खरखोदा से खरीदारी करना पसंद करते हैं। हालांकि खरखोदा शहर सोनीपत के अंतिम छोर पर बसा है, जिसके चलते खरखोदा के एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ झज्जर व रोहतक बसा है। रोहतक व झज्जर जिले के वह गांव जो खरखोदा सीमा से सटे हैं, वे भी खरखोदा से ही खरीदारी करना पसंद करते हैं। बात चाहे पकसमा, आसन, कंसाला, हुमायूंपुर, मोरखेड़ी, समचाना, हसनगढ़, नयाबास, लोहारेड़ी, जसोरखेड़ी, नीलोटी, कुतुबगुड़, मुंगेशपुर सहित बहुत से ऐसे गांव हैं जो सोनीपत जिले में नहीं हैं, लेकिन खरखोदा की सीमा से सटे हैं, इसलिए वहां के लोग भी खरखोदा में आकर खरीदारी करते हैं। उधर दूसरी तरफ इस इलाके में ईंट भट्टे व छोटे उद्योग इकाई में भी काफ़ी संख्या में हैं, जिस पर काम करने वाले लेबर व मजदूर भी खरखोदा से ही खरीदारी करते हैं। त्योहार से ठीक पहले फूड सेफ्टी कंट्रोलर द्वारा जो छापामारी की गई, उसमें जो रसगुल्ला की फैक्ट्री में दूषित रसगुल्ले मिले, उसके चलते खरखोदा की मिठाई की दुकानों पर इस बार काफ़ी असर देखने को मिला। अपेक्षाकृत भीड़ दुकानों पर कम मिली है, जबकि जो दुकानदार सीजनल हलवाई या मिष्ठान की बिक्री करते हैं, ऐसे दुकानदारों पर भीड़ ना के बराबर रही, जबकि कुछ एक दुकानों पर ही मिठाई ज्यादा खरीदी गई। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि एशिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 8 शहर भारत के हैं और इस लिस्ट में दिल्ली का नाम नहीं है। उन्होंने वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट शेयर की। केजरीवाल ने कहा कि कुछ साल पहले दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। CM ने ट्विटर पर रिपोर्ट शेयर की और लिखा, एशिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 8 भारत से हैं और दिल्ली लिस्ट में नहीं है। कुछ साल पहले दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था, अब और नहीं। दिल्ली के लोगों ने बहुत मेहनत की, आज हमने बहुत सुधार किया है। हालांकि अभी लंबा सफर तय करना है, हमें कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे ताकि हमें दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में जगह मिल सके। लक्ष्मी से शादी करने के लिए भगवान विष्णु ने लिया था कर्ज। कुबेर रावण के सुतेले भाई हैं, जिन्हें देवताओं का खजांची कहा जाता है। कुबेर के पास इतना धन है कि उनसे एक बार खुद भगवान विष्णु ने भी कर्ज लिया था, वो भी देवी लक्ष्मी से शादी करने के लिए। कर्ज लेते समय विष्णु ने कहा था कि कलयुग के अंत तक वह अपना सारा कर्ज ब्याज समेत चुका देंगे। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती ने विवाह किया। इसी मान्यता की वजह से श्रद्धालु आज भी विष्णु के अवतार त्रिपुति बालाजी को बड़ी मात्रा में सोना चांदी, हीरे मोती और गहने भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाए। मैं डॉक्टर अनुपमा सेठी, डायरेक्टर ट्यूलिप हॉस्पिटल, और साथ में खरखोदा में मेरा हॉस्पिटल है, खरखोदा सिटी अमर हॉस्पिटल। मैं आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और इसके साथ में आने वाले नए वर्ष में मैं चाहूंगी हम सब लोग साथ चलें उस नए वर्ष में और नए वर्ष को उज्जवल बनाएं। थैंक यू। सभी गांव वासियों को बलराम सरपंच की तरफ से दिवाली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव को खुश रखे भगवान। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।